एक और नए ब्लॉग में आ गया है, और अभी का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तुम्हारा भाई नींद में है, बहुत खतरनाक नींद आ रही है। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 5 साढ़े 5 हो चुके हैं, तो अभी नहाते हैं और उसके बाद निकलते हैं हम जहाँ जाना है, तो वहाँ आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि पूरा मज़ा आने वाला है वहाँ पे अभी इस टाइम पे। बाकी उठने में मन नहीं कर रहा, नींद आ रही है बहुत, लेकिन उठना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि फिर निकलना है आज ही दिल्ली को जल्दी जल्दी। तो बाकी मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से, और बाकी मोहित भाई भी देखो बाइक वाइक की तैयारी कर रहे हैं, और साफ वाफ कर रहे हैं मोहित भाई। और ये तुम्हारे भाई का लुक है, मोहित भाई अपना लुक को दिखा दो दोस्तों, लुक है हमारा पहनती है मोहित भाई का लुक। और बाकी मिलते हैं अब आपसे जहाँ हम जाने वाले हैं। नहीं नहीं रास्ते में मिलेंगे दोस्तों, रास्ते में मिलेंगे अभी, पर जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ तो आज अलग ही रोल आ जाएगा आज। तो बाकी निकलते हैं अभी यहाँ से और मिलते हैं आप सभी थोड़ी देर में। गाइस अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, और मोहित भाई भी निकल चुके हैं। 97 किलोमीटर है दोस्तों यहाँ से, अभी भी 97 किलोमीटर है यहाँ से। और आप ये देखो पीछे पहाड़ देखो, ये निकल चुके हैं हम श्रीनगर से। कल रात हम श्रीनगर में रुके थे, त्रिकोटी श्रीनगर से निकल चुके हैं, और बाकी अब श्रीकोटी, ये श्रीकोटी है श्रीनगर में, वहाँ पर रुके थे। बाकी देखो पीछे देखो पूरा तो जबरदस्त माहौल है पूरा। बाकी मिलते हैं आपसे दोस्तों, मैं तुम्हें सिचुएशन बताता हूँ क्या सिचुएशन है यहाँ पे। देखो हम जब लोग निकले यहाँ से, तो अभी देखो तुम्हें भी कितने मतलब लोग समझना हो रहे हैं समझ, ठीक है। और अभी हम लोग निकले और अभी भी यहाँ 97 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो मतलब कितनी दूर होगा। नॉर्मली आ नहीं पाते भाई, और किस्मत है भाई, और आशा करते हैं कि पास में मिल जाए भाई सभी से, मतलब बेचारे भीड़ भाड़ में मिले, नई नई व्यू मिल जाए, थोड़ा बारिश वाला मौसम भी हो रहा है, देखते भाई क्या होता है। बाकी लोग भाई बताएंगे आपको गाइस, अभी मिलते हैं क्योंकि आज पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन व्यू कौन तो निकले तो बाकी मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। सामने देखो कितनी प्यारी नदी जा रही है ये दोस्तों, अभी वो जगह आने वाली जिसको हमको पता ही था। अभी मंदिर भी अभी आने वाला है आगे ना, और बाकी पूरा मजा आने वाला है। तो हम एक बार धार देवी हमको पता ही था, धार देवी मंदिर रखते हैं पड़ता है भाई, है ना। और बाकी देखो बहुत मजा आने वाला है। श्रीनगर वाली जो ये रोड है, ये नेशनल हाईवे है, तो देखो इसलिए ये देखो रोड कितनी जबरदस्त है। रोड है ना बिल्कुल खराब नहीं है, एक नंबर। अगर कोई अपनी गाड़ी बाइक, बाकी आप देख सकते हैं धारा देवी मंदिर 9 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, रुद्रप्रयाग 25 किलोमीटर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर ऊपर पहाड़ देखो, कोहरा लगा हुआ है पूरा, ये देखो। और भाई साहब आप पूरे दोनों भाई देवी मंदिर के सामने आपको दिख रहा है वो, वो पानी में, पानी के बीच में है ये। और बाकी अभी आपको दिखाते हैं आगे। गाइस अभी हम रुद्रप्रयाग यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है, और तारा देवी मंदिर अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि अभी हम पहले वहाँ होके आते चौका, और उसके बाद आएंगे आते वक्त में, तो वहाँ देर हो जाएगी। और बाकी का माहौल चेक कर, माहौल देखो यही यही सब देखो, वो माया है बाकी सब, ये देखो। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक नंबर जगह है ये देखो भाई, देख सकते हैं देखो रोड पूरी टूट गई है। मोहित भाई निकाल लें, देखो रिस्क है भाई, पूरा पूरी रोड टूटी हुई है, देखो पूरी रोड टूट, ये देखो पूरा नीचे चला गया है। तो अभी गाइस थोड़ा सा हम कहीं पे रुके हैं, ये देखो अभी यहाँ से माड़ा गांव है, माड़ा गांव सबसे लास्ट गांव है वो, है ना मोहित भाई।
मैं क्या बताऊं दुनिया का सबसे लास्ट गांव दुनिया रह के बाद समंदर शुरू हो जाता है। तो माणा गांव अगली बार हमारा माणा गांव कब रहेगा? अगली बार दोस्तों कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी लेके आएंगे। अब की तो अचानक प्लान बना दो दिन करा इसलिए हो नहीं पा रहा जल्दीबाजी में। अगली बार आएंगे तो प्रॉपर आएंगे और मस्त बाइक लेके आएंगे अपनी बहन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलें। बाकी अपने में ऐसा तो है नहीं कि भाई हम नहीं जा रहे वाला हिसाब नहीं अपना। है तो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अब निकलते हैं हम भाई, देर हो रही है हमें, तो बाकी मिलते हैं आपसे। गांव चेक करा लोग जबरदस्त। गांव में घर इस तरह से बने होते हो, देखो सामने कुछ हॉस्पिटल वगैरह है, जाने कुछ है किस तरह से पहाड़ों में बना हुआ। तो मोहित भाई जैसे इनको अगर यहाँ पे जमीन वमीन चाहिए आप दिलवा दोगे इनको? क्या दिलवा दोगे? जमीन वगैरह दिलवा दोगे? किसी दोस्तों यहाँ पे अभी चल रहे आपके 3 लाख रुपए गज का हिसाब चल रहा है। तो आप दिलवा दोगे ना सस्ता थोड़ा? नहीं मैं दिलवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप नीचे दे दूंगा नंबर, तो मोहित भाई से बात कर लेना, ये आपको दिला देंगे सस्ता, उत्तराखंड में कहीं भी दिला देंगे आपको लोकेशन। भाई रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे किसी भी लोकेशन, सब अपना है मोहित भाई का। तो बाकी मिलते हैं। पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और ये है रुद्रप्रयाग। देख ठंडा हो गया एकदम से। गाइस ये देखो ये रोड नीचे जाने वाली है पूरी। अब वो भाई तू इधर को मत चला भाई, ये देखो कभी भी जा सकती है नीचे, देख लो रिस्क पर हम जा रहे हैं दोनों। अभी देखो ये जो भाई साहब पूरी मार्केट एक नंबर जगह है, ये बहुत ही जबरदस्त। मोहित भाई कुछ कहना चाहोगे तुम इस टाइम? मजा आ गया ना, बहुत ही जबरदस्त जगह है, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो बहुत बड़ी मार्केट थी। बाकी अभी हम देखो कब तक पहुंचते हैं। अभी तो हिमालय देखो ये देखो भाई साहब एक नंबर हिमालय देखो, अभी सबको दिख रहा होगा हिमालय। ये देखो हिमालय दिखा दिया आपको मैंने, ये देखो। तो अभी इस टाइम पे हिमालय आ चुकी है। अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं, थक चुके हैं पूरा। तो बाकी देखो क्या क्या अभी करते हैं। मोहित भाई कितना टाइम लगेगा और यार पहुंचने में? नीचे नजारा देखो कितना जबरदस्त है, ये देखो इस टाइम पे, ये देखो भाई प्रॉपर दोस्तों, ये देखो एक नंबर जगह है। आप आओ जरूर आओ यहाँ पे भाई, एक नंबर जगह है ये। मोहित भाई भाई आ रही है भाई, तुम लोग आना ही है। चोपटा हम पहुंचने वाले, कितना रह गया अभी? अभी चोप तक मैं जहां हमको ऊपर ट्रैक करना 30 किलोमीटर है। हमें ऊकी मठ में तो हम ऊकी मठ आ चुके हैं। और कल ऊकी मठ पहले हमने कल यहीं अपना करवाया था होटल रहने का, पीछे ही है वो, लेकिन हम आ नहीं पाए उसके चक्कर में, डर के मारे मोहित भाई। देखो पूरा देखो नीचे जंग खाई है, पूरी खाई मोहित भाई। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कहां मोहित भाई? ऊकी मठ से थोड़ा आगे। मतलब ऊकी मठ एक दोस्तों जगह है, जैसे तो तुंगनाथ मंदिर जाते ना तो ऊकी मठ रास्ते में जगह पड़ती है, लेकिन 30 किलोमीटर पहले। लेकिन दोस्तों अब हम तुंगनाथ मंदिर नहीं जा रहे हैं,
आए तो थे हम सोच के ही जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से जहाँ पर अभी हम हैं यहाँ से है 28 किलोमीटर तुंगनाथ मंदिर। हाँ, और रास्ता है और 28 किलोमीटर का मतलब आप समझ लो एक से डेढ़ घंटा हमें अभी भी लगेगा वहाँ पहुँचने में लगेगा, और फिर उसके पहुँच के तीन चार तो आज हम यहाँ से फिर जा नहीं पाएंगे। और अगर अभी हम निकलते हैं तो अभी भी हम वही ऋषिकेश 8 बजे तक पहुँच जाएंगे, कोशिश करेंगे 8 बजे तक पहुँच जाए अभी भी अगर हम निकले तो यहाँ से, तो बाकी देखते हैं। तो फिर कभी आ जाएंगे भगवान से मिलने, ऐसा कोई वो नहीं है। बाकी धारा देवी मंदिर पे हम थोड़ा सा नमस्ते कर लेंगे, क्यों मोहित भाई नमस्ते ठीक है भाई। बाकी कोई ना यार, इतना घूम गया क्या करना, मेहनत मोहित भाई की बस थोड़ी ख़राब हो चुकी है, और देखो नीचे जंगल है। तो बाकी निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि अब हम इतना हम जा ही नहीं रहे, तो अब निकलना ही पड़ेगा हमें सीधा। तो बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, फोटोग्राफी कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो गाइस अभी हम वहाँ से आ चुके थे तो ऊपर गए नहीं, और अभी बीच में दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। ये देखो एक नंबर का वाटरफॉल है, मोहित भाई उधर खड़े हैं। तो बाकी अभी मिलते हैं आपसे, क्योंकि हमें यार निकलना है ऋषिकेश भाई, कैसे भी करके हरिद्वार पहुँच जाएँ 6-7 बजे। तो बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखो अभी ये देखो पहाड़ों के बीच में सुरंग बना रहे हैं, क्योंकि गलत चीज़ है, हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और बाकी प्रकृति भी कुछ ना कुछ रूप दिखाती रहती है। ये देखो पहाड़ देखो, इसको काट के इनने बीच में से देखो सुरंग बना दी। ये बहुत गलत है भाई साहब, इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। देवी मंदिर यहाँ से दिखाता हूँ, धारा देवी मंदिर। पानी देख, रेत कितनी इसमें देख। चले यार। ये भाई रेत नहीं है, सोना है, देख जम गया, देख पूरा नीचे देख। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने रूम में, तो बाकी यार वहाँ जा नहीं पाए चौक का, तो उसका ही रीजन है, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते तो हमको करीब 4-4:30 वहाँ बज जाते, तो उसके बाद हम आज जा नहीं पाते, क्योंकि कल ऑफिस भी जाना है। तो इस चक्कर में फिर कभी आएंगे हम, 3-4 दिन की छुट्टी के लिए आएंगे, तब जाएंगे उधर। तो बाकी अब हम यहाँ से भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, अभी टाइम हो चुका है 1 बज गया है। तो कोशिश रहेगी कि 6-7 से पहले पहुँच जाएँ, क्योंकि उसके बाद जो है अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। ऋषिकेश में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वहाँ भी जंगल हैं, तो थोड़ा सा डर तो सबको रहता है। तो बाकी मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में, और खाना वगैरह भी नहीं खाया सुबह से, तो खाना वगैरह भी खाते हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।